नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामी जोशी एक होम्योपैथिक तज्ञ हूँ और हमारे बीच है हमारे छोटे भाई, हमारे बहुत ही खास फैमिली पेशेंट जिनीश शाह। जिनीश नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारे पेशेंट को बताइए, जिनीश भाई बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम था आपको? मुझे एसिडिटी से एसिडिटी का इश्यू था। फर्स्ट वन ईयर से मैं होम्योपैथी की मेडिसिन दे रहा हूँ और काफी बेटर हो गया। चलो पहले शुरू करते हैं कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम जो था, एसिडिटी यानी रिफ्लक्स होते हैं, इट इज कॉल्ड एज गर्ड, इट इज कॉल्ड एज एसिडिटी, इट इज कॉज एज कॉल्ड एज एसिड पेप्टिक डिसीज, और कॉमन आदमी जो है उसको कहता है एसिडिटी, यानी कुछ खाने के बजाय में जलन होना, जलन इतनी होना कि आदमी को कभी उल्टी आती है, जलन इतनी होना कि कभी कभी आदमी को खांसी आती है, इतनी जलन होती है कि कभी कभी सहा नहीं जाता, कभी कभी हार्ट अटैक जैसा भी पेन हो सकता है। तो कोई के लोग जिनको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो, जिनको लीवर में और यू नो एंजाइम्स के प्रॉब्लम हो, उनको ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। हमारे जिनीश भाई को ये प्रॉब्लम, जिनीश भाई थोड़े ऐसे बैठिए आप, ये मैं बताइए कि आपको प्रॉब्लम्स क्या थे, बताइए। नॉर्मली एवरी मॉर्निंग मुझे वॉमिट होती थी एसिडिटी की वजह से, वाइट कलर का खा रहता था, उसी की वजह से मुझे खाने की मन इच्छा नहीं होती थी और ऐसे ही रखता था कि मुझे कभी भी वॉमिट होगा, कभी भी एसिडिटी होगी, तो आई वॉज नॉट एबल टू इन्जॉय फूड ऑल्सो। और ये काफी महीनों से आपको था और आप हमसे दवाई कुछ 2-3 महीने से ले रहे हैं, तो मुझे बताइए दवाई लेने के बाद आपको क्या क्या फायदा हुआ है? मुझे वॉमिटिंग कम हो गई, खाने एसिडिटी बेटर है, एसिडिटी बहुत बेटर हो गई है और थोड़ा फ्रेश फील करता हूँ। मुझे बताइए कि आपके घर पे बच्चे बहुत हैं, है ना? हाँ। तो संडे तो पार्टी होती है बच्चों की, तो मैंने सुना मंडे को आपको बहुत प्रॉब्लम होता था। यस, मंडे को बहुत प्रॉब्लम था, मंडे क्योंकि ज़्यादातर मुझे टमाटो रखी है कुछ भी खाता था तो एसिडिटी होती थी, लेकिन होम्योपैथी चालू करने के बाद वो भी कम हो गया, चली गई घर में। और फिर आपके घर के लोगों को पता चल गया कुछ कि आपको फायदा हो गया है? यस, सबको पता चल गया है अभी तो, सो अभी सबको भी डर है, बिना मंगवा लेते हैं, बना लेते हैं कि उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी, तो उनको डेली सरप्राइज, राइट, कि कैसे सरप्राइज है कि इतना जल्दी कैसे असर हुआ। फ्रेंड्स, दैट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी ऐसा एक जबरदस्त साइंस है, सच अ ग्रेट साइंस के आदमी का प्रॉब्लम जड़ से निकल जाता है, ये सभी प्रॉब्लम जो है मानो थे ही नहीं, और होम्योपैथी एक नेचर के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए कई पैथी जो है बदल सकते हैं, बिकॉज रिसर्च बदलता है, सब कुछ बदलता है, आज जो दवाई चलती है कल नहीं चलती, पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये नैसर्गिक सिद्धांतों पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन नेचर एंड इट इज इनफेलिएबल, इट इज कहते ना अव्वल है, इसको कोई बदलाव नहीं आ सकता। दोस्तों, आपको यदि एसिडिटी हो, आपको यदि एसिड पेप्टिक डिसीज हो, आपको यदि खाने के बाद उल्टी आती हो, या आपको परहेज हो, खाने से ज्यादा क्या नहीं खाना है आपकी अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो, तो आपको होम्योपैथी की आवश्यकता है। प्लीज आपके कस्बे में, आपके गांव में, आपके नुक्कड़ में कहीं भी अच्छा होम्योपैथ हो, उनको जाकर मिलिए और वो सर या मैडम से आपकी केस डिस्कस कीजिए और जरूर जरूर माता रानी की कृपा से इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ और आज आपके सभी के आशीर्वाद के कारण ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट हमारे पास हैं, बिहार हो, यूपी हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, मेरे सामने एक पेशेंट बैठा राजस्थान से है और दिल्ली के पेशेंट देखता हूँ, ऑल ओवर इंडिया मेरे पास आसाम के पेशेंट्स हैं, तेलंगाना के पेशेंट हैं, सभी टाइप के पेशेंट देखता हूँ, और आजकल कैसा है स्काइप पे व्हाट्सएप पे हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आपके मंगाएंगे प्रॉपर स्टडी करके, हमारी पूरी टीम है 6 डॉक्टर्स की जो आपके केस को स्टडी करते हैं, लेडी पेशेंट हो तो हमारे लेडी डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो हम जड़ से मिटा देंगे, फ्रॉम द रूट्स वी विल रिमूव योर प्रॉब्लम। सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर +91 93239 71760, वापस कहना चाहता हूँ 91 93239 9717, मैं भूल गया नंबर 93239 71760। देखो मैं इतना इन्वॉल्व हूँ दोस्तों, मेरे क्या कहूँ, मेरा पूरा जीवन मैंने मानो समर्पित किया है पेशेंट के सेवा के लिए, वापस कहना चाहता हूँ 91 93239 71760, और आपको टोटल कंप्लीट क्योर हम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सर्जरी, जरूरी नहीं है कि आपको स्कोपी करना पड़े, हाँ जहाँ जरूरी है आवश्यकता वहाँ करेंगे, मगर 99% केसेस हम दवाई से हम ठीक करते हैं,
आपको मिलेंगे। सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू शेयर ऑन सोशल मीडिया ये वीडियो, नो प्रॉब्लम, ताकि आपसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और ये प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। नमस्कार, आज हनुमान जयंती है। आप सबको कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी ने हम क्या सिखाया है कि स्वस्थ रहो तंदुरुस्त रहो, है ना, स्वस्थ रहो तंदुरुस्त रहो। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।